हे दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास ट्वेल्थ के हिंदी 50 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग का हिंदी 50 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है गारंटी जो है 100% इसी में से पूछे जाएंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को ले लिए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे आज इस वीडियो में, तो आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कोशिश करिए साथ में याद करते हुए चलिए, ताकि आप लोग को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। यहाँ पे जो है गेस जो है एजुकेशन बाबा के द्वारा गेस किया गया है, मतलब 100% इंपॉर्टेंट तो होगा ही। साथ में जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए गेस किया गया है, VVIPO बोर्ड एग्जाम, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये तो तय है। अभी जो है बस आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो है इस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिले अगले बार। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो हम लोग बस चलते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पंच के जवान से कौन बोलता है, पंच के जवान से कौन बोलता है। तो आंसर क्या है, पंच की जुबान से ईश्वर अर्थात खुदा बोलता है। ये जो है पंच परमेश्वर चैप्टर से लिया गया है, जो कि पद खंड में हमारा आता है, पंच की जवान से कौन बोलता है। सॉरी, ये जो है पंच परमेश्वर जो है ये गदखंड से आता है, गदखंड में हमारा पहला चैप्टर आता है पंच परमेश्वर। पंच की जवान से कौन बोलता है, पंच की जुबान से ईश्वर अर्थात खुदा बोलता है। इतना अगर लिख देते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उतना काफ़ी है हमारे लिए, एक मार्क्स आ जाएगा। फिर हमारा अगला क्या है, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था। दो नंबर क्वेश्चन क्या है, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जुम्मन की पत्नी का नाम करीमन था। तो अगला फिर क्वेश्चन क्या है, तीन नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जुम्मन के पिता का नाम क्या था, जुम्मन के पिता का नाम क्या था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जुमराती शेख, जुमराती शेख। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है चार नंबर, अलगू चौधरी के गुरु का नाम क्या था, अलगू चौधरी के गुरु का नाम क्या था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जुमराती शेख। क्या, जुमराती शेख। जुम्मन के पिता का नाम जुमराती शेख, अलगू चौधरी के गुरु का नाम जुमराती शेख, ठीक है। फिर हमारा पांच नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, पांच नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है, प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेवा सदन। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आंसर हो जाएगी सेवा सदन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाती है छह नंबर, उसमें क्या है, प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है, प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है, सेवा सदन, अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र। फिर हमारा सेवन नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, प्रेमचंद्र ने कितनी कहानियां लिखी है, प्रेमचंद्र ने कितनी कहानियां लिखी हैं। प्रेम से लगभग, प्रेमचंद्र ने यहाँ पे होगा लगभग 300 कहानियां लिखी है, प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियां लिखी है। फिर हमारा आठ नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, पंच परमेश्वर कहानी में किसका उद्घाटन हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगी, पंच परमेश्वर कहानी में जीवन का जीवन सत्य का मार्मिक उद्घाटन हुआ है, पंच परमेश्वर कहानी में जीवन सत्य का मार्मिक उद्घाटन हुआ है। फिर हमारा नौ नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, नौ नंबर क्वेश्चन यहाँ है, पंच के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आंसर क्या हो जाती है, पंच के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जाति धर्म संबंधों से सर्वदा मुक्त न्याय के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या चीज, पंच के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जाति धर्म और संबंधों से सर्वदा मुक्त न्याय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर हमारा दस नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, दस नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रेमचंद्र की कहानी में उसकी चिंता के केंद्र में क्या रहा है, प्रेमचंद्र की कहानी में उसकी चिंता के केंद्र में क्या रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगी, प्रेमचंद्र की कहानी में उसकी चिंता के केंद्र में सदैव शोषित पीड़ित और उपेक्षित मनुष्य की मुक्ति रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ जाती है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, लेखिका ने गौरा की मृत्यु के पीछे, अब हमारा कौन सा चैप्टर आ गया, गौरा चैप्टर, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर आ जाता है। तो ये क्या है, लेखिका ने गौरा की मृत्यु के पीछे मनुष्य के किस प्रवृत्ति को उजागर किया है। आंसर क्या हो जाएगी, लेखिका ने गौरा की मृत्यु के पीछे मनुष्य के अंधस्वार्थ लिप्सा को उजागर किया है। क्या चीज, अंधस्वार्थ लिप्सा को उजागर किया है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ग्वाला ने गौरा को गुड़ में सुई मिलाकर क्यों खिला दिया, ग्वाला ने गौरा को गुड़ में सुई मिलाकर क्यों खिला दिया। गौरा जो थी एक गाय थी, उसको जो है ये ग्वाला सुई खिलाकर क्यों मार दिया।
तो गौरा जब से दूध देने लगी थी, वो गाय जब से दूध देने लगी थी, लेखका ने ग्वाला से दूध लेना छोड़ दिया था। तब से जो है लेखका उससे दूध ही नहीं लेते थे। अब जो है क्या है, लेखका पुनः ग्वाला से दूध लेने लगे, इसलिए उसने गौरा के गुड़ में सुई मिलाकर खिला दिया। फिर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है, गौरा कैसी थी? तो गौरा प्रियदर्शनी थी, बहुत अच्छी लगती थी, प्रियदर्शनी थी। फिर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, महात्मा गांधी गाय को क्या कहते थे? महात्मा गांधी गाय को क्या कहते थे? गाय करुणा की कविता है ऐसा महात्मा गांधी कहते थे, गाय करुणा की कविता है ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। फिर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौरा या गौरांगनी कौन थी? गौरा या गौरांगनी कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा, गौरा या गौरांगनी एक गाय थी, गौरा या गौरांगनी एक गाय थी। फिर हमारा क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, लालमणि कौन था? लालमणि एक गाय का बछड़ा था, लालमणि एक गाय का बछड़ा था। फिर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने गौरा के गुर में सुई खिला दिया था? किसने गौरा के गुर में सुई खिला दिया था? एक ग्वाला ने गौरा के गुर में सुई खिला दिया था, किस लिए? कि ये जो है लेखका फिर से उससे दूध लेने लगे। फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौरा किस साहित्य विद्या में है? गौरा किस साहित्य विद्या में है? गौरा महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। फिर हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है, लेखका को गौरा किसने दिया था? लेखका को गौरा किसने दिया था? तो लेखका को छोटी बहन से गौरा मिला था। ये जो है हमारा पंच परमेश्वर चैप्टर, और फिर अगर बात करें गौरा, इससे जो है ये दोनों चैप्टर से अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो बाकी जो है 3 चैप्टर वो सबसे कम पूछे जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मंगर का कद्र सभी क्यों करते थे? अब ये आ जाती है मंगर चैप्टर से, मंगर जो कि गद्यखंड का 3रा चैप्टर है, मंगर का कद्र सभी क्यों करते थे? आंसर क्या है, मंगर मेहनती और ईमानदार था, उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण सभी उसका कद्र करते थे। किस लिए? मंगर मेहनती और ईमानदार था, उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण सभी उसके कद्र करते थे। फिर हमारा क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक अपने को टूअर क्यों कहा? लेखक अपने को टूअर क्यों कहा है? आंसर क्या है, लेखक के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। क्या चीज़? लेखक के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, अतः लेखक अपने को टूअर कहा है। लेखक अपने को टूअर क्यों कहा है? तो ये है मंगर चैप्टर से लिया गया। फिर हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मंगर किस वेशभूषा में रहता था? मतलब वो जो कैसा दिखता था, मंगर हमेशा कमर में भगवा लपेटे रहता था, एक गमछा होता है वो लपेटे रहता था। फिर हमारा क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है, मंगर कौन था? मंगर लेखक बेनी पूरी जी का स्वाभिमानी हलवाह था। कौन? हलवाह था, जो हल चलाता था। फिर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मंगर का स्वभाव कैसा था? मंगर का स्वभाव कैसा था? मंगर का स्वभाव रूखा और बेलौसी था। फिर हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, मंगर बैल को क्या समझता था? मंगर बैल को क्या समझता था? मंगर बैल को महादेव समझता था। क्या चीज? महादेव समझता था, महादेव। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाकौलिया कौन थी? भाकौलिया मंगर की पत्नी थी। ये जो है बस इतना ही जो है मंगर चैप्टर से है। फिर अब अगला क्या आ जाती है, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर अगला क्या है, यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्र बाबू ने अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा कहाँ पाई थी? रविंद्र बाबू ने अंग्रेजी साहित्य शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो लंदन में। कहाँ पाई थी? लंदन में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर है, रविंद्र बाबू किसकी आराधना करके महान हुए? किसकी आराधना करके महान हुए? सरस्वती जी, सरस्वती जी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर, रविंद्र बाबू का हृदय किस चीज से परिपूर्ण था? तो आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्र बाबू का हृदय स्वदेश प्रेम से परिपूर्ण था। किससे? स्वदेश प्रेम से परिपूर्ण था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रविंद्रनाथ बचपन में अपने पिता को किस प्रकार का गीत सुनाया करते थे? तो पारमार्थिक गीत। किस प्रकार के गीत सुनाया करते थे? तो पारमार्थिक गीत। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन में अपने पिता को किस प्रकार का गीत सुनाया करते थे? पारमार्थिक गीत। फिर जो है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तो आंसर हो गई पारमार्थिक गीत। फिर अगला क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्र ने किन मासिक पुस्तकों का संपादन किया? क्या आंसर में है, भारती, बालक, साधना और बंग दर्शन नामक मासिक पुस्तकों का संपादन रविंद्रनाथ ने किया। अब इसमें से अगर आपको दो भी नाम याद है तो एटलीस्ट कम से कम आप लोग दो नाम जरूर लिख दीजिए इसमें।
फिर जो है अगर सारे याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारा क्या है 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस समारोह में हर राज्य की ओर से क्या निकला था। गणतंत्र दिवस समारोह में हर राज्य की ओर से क्या निकला था, तो आंसर क्या हो जाती है, गणतंत्र दिवस समारोह में हर राज्य की ओर से एक झांकी निकली थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में। अब जो है बहुत कम क्वेश्चन बचा है, 2 से 3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं, फिर जो है खत्म हो जाएगी ये वीडियो, फिर अगला वीडियो के बारे में बताया जाएगा। क्या है क्वेश्चन, लेखक गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में कितने बार देखे हैं, तो 4 बार। लेखक गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का जलसा दिल्ली में कितनी बार देखे हैं, तो 4 बार आंसर क्या है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस तरह की रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस तरह की रचना है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्यात्मक रचना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आंसर क्या है, हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में, कहाँ, इटारसी मध्य प्रदेश में। अब जो है बस यहीं पे गद्यखंड का ये क्वेश्चन जो है खत्म होती है। गद्यखंड में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे जो है इसी क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, सो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लो। अगर नहीं याद हुआ एक बार फिर से वीडियो देख लो, याद हो जाएगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, उससे क्या होगा अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा ताकि आप वो वीडियो देख सकोगे। तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जो है वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।